हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो कि चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर वन हियर कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहां पर टर्म्स दिए हुए हैं, हमें उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को से समझने से पहले बताएं कि आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स होता है टुकड़े कर देना, तलवार या चाकू से नहीं, हमें मल्टीप्लाई करके टुकड़े कर देना, किसी नंबर्स के मल्टीप्लाई करके टुकड़े कर देना फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर मान लीजिए 10 है, इसके हम मल्टीप्लाई करके टुकड़े कर दें ऐसे करके, प्रोडक्ट करके टुकड़े कर दें ऐसे करके 2, 5 या 10, यानी कि नंबर तो 10 ही है लेकिन इसको हमने टुकड़े करके राइट कर दिया, तो 10 के 2 और 5 फैक्टर्स हो गए। और 1 सभी का फैक्टर होता है, ध्यान रखें। तो अब हमें जो फैक्टर्स करने को मिलेंगे उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स, जब हम 2 या 3 टर्म्स के फैक्टर्स करते हैं तो उन सभी में जो अवेलेबल होता है, जो नंबर या वेरिएबल उन सभी में अवेलेबल होता है, वही कॉमन फैक्टर्स होता है। बाकी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 12x, सेकेंड है 36। तो हम 12x के भी फैक्टर कर देंगे, 36 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले 12x के अलग कर लीजिए, 12x के हो जाएंगे 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12 जो है इतने फैक्टर्स हो गए, बाकी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 2, 2 जा 4, 3 जा 12 और मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि इसमें एक्स भी लगा हुआ है, तो ये 12x के फैक्टर्स होगा। इसी तरह से हमें 36 के फैक्टर्स ऐड कर देने, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 2, 2, 3, 3 मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर्स हो गए, और बाकी एक्स तो इसमें है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन की मैंने सी राइट कर दिया, फुल राइट कर सकते हैं COMMON, कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में हो। देखिए, एक तो हम यहाँ से देखना शुरू करें, 2 दोनों में है, ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया, फिर से 2 दोनों में है, ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। समझ रहे हैं आप, जो दोनों में है, 2 टर्म्स ही तो हैं, अगर 3 टर्म्स होते तो तीनों में होते तो वही कॉमन फैक्टर होता। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12 जो है वो कॉमन फैक्टर है इन दो टर्म्स का। ऐसे ही यहाँ करना है, पहले हम 2y के फैक्टर ऐड कर दें, 2y के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई y, बस हो गया 2y। अब हम 22xy के फैक्टर ऐड कर देंगे, 22 के ऐड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई y 11, 11 2 जा 22 होता है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब हम ऐड करेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में जो दोनों में हो, एक तो ये दोनों में है 2, 2 ऐड कर लिया, ठीक है, और 11 तो दोनों में है नहीं, ना ही एक्स दोनों में, और दूसरा है ये y दोनों में, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, राइट, y, 2 और y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, तो 2y इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर है 14PQ28P2Q2, तो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, पहले हम इस टर्म के फैक्टर कर देते हैं 14PQ का। 14P को ऐड कर लेंगे, 2, 7 जा 14 होते हैं, 2, 7 जा 14, फिर P और मल्टीप्लाई Q, 14PQ हो गया ये। अब ये 28P2Q2 के कर लेंगे, 28 को 2, 2 जा 4, 7 जा 28, पी स्क्वायर को ऐड करेंगे पी मल्टीप्लाई बाई पी, क्यू स्क्वायर को ऐड करेंगे क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू, ओके, ये फैक्टर हो गए। अब हमें राइट करना है कॉमन फैक्टर्स। देखिए, जो ये दोनों में, एक तो ये 2 है, दूसरा 7 है दोनों में, मल्टीप्लाई बाई 7, फिर पी दोनों में है, इसके बाद क्यू भी दोनों में है, 2, 7, P और Q, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7 जा 14 PQ कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसको करते हैं 2x के फैक्टर करेंगे तो ऐड कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3x² के फैक्टर ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और एक्स, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। अब इसी तरह से 4 के करेंगे, 4 के ऐड कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमें ऐड करना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखिए कुछ 2 यहाँ है, यहाँ है बट यहाँ नहीं है, एक्स यहाँ है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जो कॉमन है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है उसमें 1 कॉमन लगा लेते हैं और ये 1 इसका आंसर हो गया, ओके डियर। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर 6ABC24AB2, इसको भी ऐसे ही कर लेना है,
पहले हम 6ABC के फैक्टर ऐड करेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 या 6 होता है, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसके बाद 24AB² का ऐड कर लेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 3 24, 24 के होगा 2 2 4, 2 8, 8 3 24, ए का ए और मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है तो बी मल्टीप्लाई बाई बी। ओके, अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेने हैं, ऐड कर लेंगे कॉमन फैक्टर 2, इसमें भी है इसमें भी है, है तो 2 ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें भी है इसमें भी है, हो गया 3 भी। इसके बाद ए भी इसमें है इसमें भी है, ए भी आ गया, बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी भी आ गया। अब देखिए ये सी तो नहीं है इसमें, है ना, और इसमें ये 2 टाइम्स और भी है 2, लेकिन उधर ऊपर नहीं है, इसलिए बात ख़त्म हो गई। अब जो है 2 3 6, ए और बी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 16x^3, तो यहाँ पर हम 16x³ का फैक्टर ऐड कर लेंगे, 16 के ऐड करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16, 2 2 4 2 8 2 16, और एक्स की पावर 3 है, इट मीन्स एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है -4x², तो -2 × 2 × एक्स को 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे। ओके, 2 2 4, -4 हो जाएंगे और x². बाकी जो है 32x का भी आप कर देंगे फैक्टर, ऐसे करके 2 2 4 2 8 2 16 2 32 मल्टीप्लाई बाई एक्स। नाउ वी हैव टू ऐड कॉमन फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले देखते हैं ये 2 है वो सभी में है, 2 आ गया, फिर दोबारा से भी 2 तीनों में है, अगले बार में 2 इसमें तो है इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, बात ख़त्म करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक्स ले लेते हैं, एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, एक्स भी ले लिया, फिर इसमें दोबारा से भी एक्स है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, बात ख़त्म कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 और एक्स, तो 4x इनका कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर, 10PQ 20QR 30RP, ये 3 टर्म्स है, इसमें तीनों टर्म्स के हम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऐड करते हैं 10PQ के, ठीक है, 2 × 5 10 के हो जाएंगे, 2 5 10 × p × q हो गए इनके। इसके बाद 20QR के ऐड कर लेंगे, 20 को ऐड करेंगे, 2 × 2 × 5 2 2 4 5 20 × q और × r। नेक्स्ट है 30RP 30 के ऐड करेंगे, 2 × 3 2 3 6 × 5 2 3 6 5 30, अब ये r और × p। अब हमें कॉमन फैक्टर ऐड कर लेने हैं, कॉमन फैक्टर में जो सब में यानी तीनों में है, तीनों टर्म्स में अवेलेबल है, वो कॉमन फैक्टर होंगे। एक तो 2 है, 2 ये देखिए सभी में है, फिर 5 तीनों में है, 5 ले लेते हैं, 3 इसमें है इसमें इसमें नहीं है, बात ख़त्म करो उसकी। अब जो है नंबर तो हो गए कंप्लीट, इसके बाद P इसमें तो है नहीं, छोड़ो, Q इसमें Q है इसमें Q लेकिन इसमें नहीं, R इसमें है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो यही हो गए, तो 10 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है 3x² / 10x³ / 2 और नेक्स्ट टर्म है 6x² / 2 z। यही इसी की तरह हमें तीनों टर्म के फैक्टर ऐड कर लेने हैं। पहले 3x² / 3 का ऐड करेंगे, 3 का तो कोई होगा नहीं, 3 × x × x, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, 2 टाइम्स x की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ y³ है यानी y³ है तो y³ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है 10x³ / 2 10 के करेंगे, 2 × 5 2 5 10 हो गया, मल्टीप्लाई x³ है तो x का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और y² है तो y का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ऐड कर लेंगे 6x² और y² z का, तो 6 को ऐड कर लेंगे, 2 3 6 मल्टीप्लाई x² है तो x का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई y भी 2 टाइम है, y² है इसलिए मल्टीप्लाई z सिंगल टाइम है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स इसके फाइंड कर लेने हैं, तो ये कॉमन फैक्टर इसके हो जाएंगे, 3 सब में नहीं है, 2 इसमें इसमें है लेकिन इसमें नहीं, बात ख़त्म करो उसको, x दिख ली है, x इसमें तीनों में है,
मल्टीप्लाई बाई, ये दोबारा से एक्स आया, क्या दोबारा से एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोबारा से फिर से हो गया मल्टीप्लाई बाई बाई बाई, इसमें भी है और इसमें भी है, तो बाई आ गया, दोबारा से फिर बाई आया, दोबारा से बाई इसमें है, इसमें भी दोबारा से बाई है, बाई भी आ गया। ओके जेड जो है वो इसमें तो है नहीं ऊपर वालों में, यहीं पर ये हो गया, एक्स टू टाइम्स है, बाई भी टू टाइम्स है, तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर टू आप एक्सरसाइज 12.1 दैट फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स करने हैं, तो ये कॉमन फैक्टर्स वाले होंगे इस तरह से। ये फर्स्ट नंबर दिया है 7x-42, हम इसमें ऐसा ढूंढते हैं जिससे ये भी टर्म डिवाइड हो जाए, ये भी टर्म डिवाइड हो जाए, तो 7 है, 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 7×6=42 होती है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसको कॉमन फैक्टर जो अभी हम कर रहे थे कॉमन वैसा ही कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 7 दोनों में है छिपा हुआ। अब 7 कॉमन ले लेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा, फिर यहाँ पर जो साइन है वो लगा लेंगे। आफ्टर दैट 7 से 42 को डिवाइड करेंगे, 7×6=42 होते हैं, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 यहाँ लेकर ऐड कर देंगे, 7 ब्रेकेट में x-6। पहला काम हमें इसमें ये ढूंढना है सारे टर्म्स में कि कौन सा नंबर या लेटर कॉमन है, तो हमने ढूंढ लिया 7, इसके बाद वो ऐड करने के बाद हम ब्रेकेट ऐड कर लेंगे, फिर एक एक टर्म करके आप डिवाइड करेंगे 7x को, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास x बचा वो यहाँ ऐड कर लिया। ओके इसके बाद जो भी साइन है प्लस का है प्लस लगा लेंगे, माइनस का है माइनस लगा लेंगे, फिर ये जो 42 है 42 को जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे 7 से ही, 7×6=42 होते हैं, 6 आ गया, 6 हमने यहाँ ऐड कर लिया, बस ये आपका फाइनली आंसर हो गया 7 ब्रिकेट में x-6। सेकंड नंबर है 6p-12q, 6 देखते हैं दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें, तो 6 हमने कॉमन ले लिया और p यहाँ बच जाएगा, जब हम 6p को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है, 6 को 12 से 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6×2=12 होते हैं और ये q और यहाँ पर ऐड कर लेंगे, बस हो गया, ऐसे करते चले जाएं, बस काफ़ी जी हैं 6p-2q। नेक्स्ट है देखो 7 दोनों में है, 7 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ a स्क्वायर है यहाँ a है, a भी दोनों में है तो 7a कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 7a स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 7a स्क्वायर का 7×a×a, 7a स्क्वायर का मतलब हुआ 7×a×a, 7a से डिवाइड करेंगे 7a×a, 7 से 7 कट गया, a से a कट गया, हमारे पास बचा a, इसको हम अंदर ऐड कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे जो साइन है वो लगा लेंगे प्लस का, 7a से 14a को डिवाइड करेंगे, तो a से a कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7×2=14, a+2 ब्रेकेट में आ जाएगा, a+2, 7a a+2, ये इसके फैक्टर्स हो। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर -16z+20z, तो नंबर्स में देखते हैं 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4×4=16 होते हैं और 4×5=20 होती है, तो एक तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, इनको कॉमन लेना कहते हैं जो बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब जेड इसमें भी है, इसमें भी है, तो जेड भी कॉमन ले लेंगे, ब्रेकेट लगा लेंगे, 4 से -16z को डिवाइड करेंगे, तो 4×4=16 होता है, माइनस में आ जाएगा, -4 और जेड से जेड खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ प्लस 4 से डिवाइड करो, 4×5=20, जेड से जेड की पावर 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पावर 2 बच जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर, ये आंसर हो गया 20L²m+30ALm। 10 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 10 कॉमन लेंगे, L इसमें भी है, इसमें भी है, L भी कॉमन ले लेंगे, m इसमें भी है और इसमें भी है, m भी कॉमन ले लेंगे, तो 10LM ये हमने कॉमन लिया, इसके बाद ब्रेकेट लगाएंगे, 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, 10×2=20 होता है, 2 ऐड कर लेंगे, यहाँ L है, यहाँ L स्क्वायर है, इसकी पावर में से इसकी पावर यानी डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर में से इसकी पावर सेपरेट हो जाएगी, 2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि L की पावर 1 बचेगा, m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, कुछ नहीं बचा, फिर ये साइन है वो लगा लेंगे, यहाँ पर 2L आ गया, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 10×3=30 होता है, 10 और ये a l m, l m l m से कट जाएगा, जब डिवाइड करोगे क्या बचेगा a, तो 2L+3A, यहाँ पे देखिए 5 दोनों में है, 5 कॉमन ले लिया, और x दोनों में है, x भी कॉमन ले लिया, y दोनों में है, y भी कॉमन ले लिया,
अब ब्रेकेट में बचेगा 5 से 5 कट गया, x स्क्वायर है यहाँ पर x यानी पावर 2 है, 2 पावर में से 1 सेप्टर करेंगे 1 पावर बच जाएगी x की, बाई से बाई कैंसिल होगा, केवल x बचा, माइनस लगा लेंगे 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 3 आ जाएगा, x से x कट गया, बाई की पावर यहाँ 1 है, बाई की पावर 2 है तो बाई की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, जो भी हम कॉमन लेते हैं उनसे इन टर्म्स को डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है वो ब्रेकेट में ऐड कर देते हैं। सेवंथ नंबर है 10a² - 15b² + 20c² तो इसमें ऐसा नंबर देखेंगे हम, एक तो 5 है, 5 से सभी नंबर कट जा रहे हैं, इसका मतलब हम 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाकी कोई लेटर्स वाले जो नंबर हैं यानी वेरिएबल वाले वो कोई ऐसे हैं नहीं जो सब में हैं। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 2 आ जाएगा और ए स्क्वायर 2a² आ गया, फिर माइनस लगाएंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 और बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 और सी स्क्वायर, बस हो गया ये फाइनली आंसर। नेक्स्ट है 4 सभी में है, ठीक है 4 कॉमन ले लेंगे, ए ए ए ए सभी में है, ए कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन ले लेंगे, माइनस का बचेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर है या ए है, पावर 1 बच जाएगा यानी केवल ए बचेगा, फिर यहाँ प्लस लगा लेंगे 4a से 4a कैंसिल हो गया, क्या बचा बी, माइनस 4ca 4a है, इधर ही 4a है तो सी बचा केवल, ठीक है 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 9th नंबर x² + x² + x² तो x पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर यानी x जो है सभी में है तो x कॉमन ले लेंगे, y पावर 1 है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y भी कॉमन ले लेंगे, z इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है तो z भी कॉमन ले लेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर z है, यहाँ z स्क्वायर है तो z स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कम पावर वाले ही कॉमन लेते हैं, उसी से डिवाइड हो सकता है, कम पावर से ज़्यादा पावर को डिवाइड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पावर से कम पावर को डिवाइड करोगे तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसलिए एक्स बाई जेड हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब देखिए बाई से बाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 1 है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स पावर 1 बच जाएगा तो एक्स बच गया, प्लस इसी तरह से हम एक्स बाई स्क्वायर जेड को इस एक्स बाई जेड से डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कट गया, बाई स्क्वायर है, यहाँ बाई है तो एक बाई बच जाएगा और जेड से जेड कट गया, एक्स प्लस बाई आ गया, प्लस इसी तरह से एक्स वाई कट गया, यहाँ जेड है, जेड स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ केवल पावर 1 है तो एक पावर यहाँ पर बच जाएगी, तो एक्स बाई जेड ब्रिकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फाइनली आंसर हो गया। ऐसे ही इसको करना है, सब में देख रहे हैं कॉमन क्या है, ए सब में नहीं है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है तो एक्स अभी मैं एक्स कॉमन ले लिया, बाई यहाँ है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, बाई कॉमन ले लिया, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है जो सब में है तो एक्स बाई कॉमन लिया। ठीक है, तो ए बच गया और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो जब डिवाइड करेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, वो यहाँ ऐड कर लेंगे, बाई से बाई कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस बी है, एक्स कॉमन आ गया यानी डिवाइड हो गया, एक्स से एक्स कुछ नहीं बचा, बाई स्क्वायर है, यहाँ बाई है, केवल बाई बचेगा, प्लस सी आ गया, एक्स बाई से एक्स बाई ख़त्म हो गया, केवल बचा जेड, सी जेड तो एक्स बाई ए एक्स प्लस बाई ए एक्स प्लस बी बाई सॉरी ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड, ये हो गया फाइनली आंसर। ऐसे करने हैं डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, बहुत ही इजी तरीके से फिर आप कर सकते हैं, जब आपको समझ में आ गया तो ये एक गेम लगेगा, बहुत मजा आएगा करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 12.1, यहाँ पर भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें उनका फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, कंटिन्यू अगर हम देखें तो कुछ ऐसा नहीं है जो सभी में कॉमन हो, कॉमन लेके ही करना है ये। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें 2 2 में कॉमन ले लेना है, देखिए यहाँ 2 2 में कॉमन हो जाएंगे, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ 8 और 8 कॉमन है, तो जब यहाँ पर हम एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1x आ जाएगा, 1x राइट कर लेंगे, प्लस एक्स बाई को जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो बाई बच जाएगा, प्लस ये लगा लेंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ दोनों में 8 कॉमन है, 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, 8x को जब डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस 8y को डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, किससे कर रहे हैं 8 से, 8x को और 8y को दोनों को 8 से डिवाइड किया है तो x प्लस y इनसाइड आ गया। अब देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह x प्लस y सेम है, यानी कि x प्लस y को हम एक बार फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो हम x प्लस y को जब कॉमन लेंगे तो अब जब
एक्स एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या x, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x बचा यहाँ पे प्लस, इसी तरह से x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम है, ये एक दूसरे से कट जाएगा, जब डिवाइड करेंगे बचेगा क्या 8, तो x प्लस 8 ये फाइनली आंसर हो गया x वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 8। ऐसे ही यहाँ करना है, यहाँ देखते हैं 3 से ही कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स इसमें भी एक्स भी कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन लिया, 15 को डिवाइड किया 3 से, 3 5 15 5 आ गया, x से x को डिवाइड किया कुछ नहीं बचा, बाई बचा केवल यहाँ पर 5 बाई, ठीक है, माइनस 3 2 6 2 आ जाएगा, x को x से डिवाइड किया कुछ नहीं बचा, 5 बाई माइनस 2, प्लस लगा लेंगे ये वाला, अब यहाँ पर 5 बाई माइनस 2 है, ठीक है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा जो भी है 5 बाई माइनस 2। ओके अब देखिए यहाँ पर देखो ध्यान दो और यहाँ पर ध्यान दो, 5 बाई माइनस 2 दोनों जगह है, यानी कि एक बार हम 5 बाई माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 5 बाई माइनस 2 को कॉमन लिए हैं, दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा एक तो ये और ये, तो 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ax plus bx minus ay minus by, तो यहाँ पर भी हम जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, इसमें देखेंगे दोनों में x है, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a और इधर b, a प्लस बी, यहाँ पर माइनस, दोनों में बाई है, बाई कॉमन ले लेंगे, अब आपका बचेगा एक तो a, देखो यहाँ पर माइनस बाई जब कॉमन लिया तो केवल a अंदर आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर इस माइनस का और इस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है अगर आपने ये मल्टीप्लाई नहीं किया और यहाँ माइनस का माइनस ही ऐड कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखें जब भी माइनस यानी कि यहाँ पे माइनस बाई कॉमन लिया गया है तो यहाँ का साइन चेंज होना ही होना है, बाई कॉमन ले लिया माइनस बाई और ये बचेगा बी, तो ए प्लस बी, इसमें ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी, ए प्लस बी फिर से कॉमन ले लो, ए प्लस बी जब फिर से कॉमन लिया तो बचेगा ये एक्स और माइनस का बाई, दूसरे ब्रेकेट में एक्स माइनस बाई रेड कर लेंगे, ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट है 15 PQ plus 15 plus 9 Q plus 25 P, यहाँ पर 15 कॉमन है, पी क्यू बचेगा, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ 3 भी कॉमन नहीं, 5 भी कॉमन नहीं है, इसलिए कुछ हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं ये 9Q इस साइड ले आ रहे हैं, ठीक है, ऐड कर लेंगे 15 PQ और प्लस 9Q, एक्चुअली अब ये 3 3 से कट जाएंगे, क्यू भी कॉमन है ना, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो दोबारा से यहाँ पर जो ब्रेकेट बनती है वो सेम आया है, उसको दोबारा से कॉमन लिया जा सके, और प्लस के सभी टर्म्स होते हैं तो हम इधर उधर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐड कर लो आप प्लस 25P और ये 15 बचा, ये यहाँ पर ऐड कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे और P इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो क्यू दोनों में क्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3Q कॉमन लिया तो 3 5 5 5 आ गया 15 की जगह पे, पी भी आ जाएगा क्यू से, क्यू कट जाएगा 5P आ गया, प्लस रेड कर लेंगे 3 3 9 और क्यू कॉमन आ गया तो 5P plus 3 बचा अंदर, इसी तरह से यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं और 5 से जब 25 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, P यहाँ पर है फिर प्लस 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 यानी 3 आ जाएगा, आप देखिए ब्रेकेट हमने हमारे जो एक जैसे आ गए हैं, अगर हम यहीं पर कॉमन ले लेते तो ये ब्रेकेट एक जैसे नहीं आते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती, आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस नंबर का प्लेस चेंज किया, इसको यहाँ ले आए थे और इसको यहाँ ले आए थे, इसको यहाँ ले आए थे, ठीक है, इन 3 नंबर का प्लेस चेंज किया है ऐसा करने के लिए। अब इसमें 5P plus 3 कॉमन फिर से ले लेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसलिए दो जगह है, इसलिए 5P plus 3 कॉमन ले लिया, ब्रेकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ बचेगा ब्रेकेट मगली में 3Q और ये प्लस 5, ये हो गया भैया आंसर। नेक्स्ट है 5th नंबर, z-7 plus 7xy minus xyz, 4 टर्म है, इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चन नंबर 4th में थी, तो हम ऐसा करते हैं इस वाले को ले आए इधर, बाकी सब वैसे ही ऐड कर दें, यहाँ पर ऐड कर देंगे z-xyz माइनस का ले आया है, z-xyz फिर z कॉमन आ जाएगा इसमें, फिर ये ऐड कर लीजिए माइनस का 7 और प्लस 7xy, ठीक है, यहाँ पर देखिए z कॉमन है, z ले लिया, अब ब्रेकेट में क्या आएगा, जब पूरा जेड का जेड कॉमन आ गया तो वन रहेगा, फिर माइनस जेड तो कॉमन आ गया, बचा एक्स वाई, तो वन माइनस एक्स वाई हो गया, फिर माइनस का यहाँ 7 दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जब 7 पूरा कॉमन आ गया तो वन बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस,
सेवन तो कॉमन आ गया, बचा क्या एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई दो बार है, दो बार है इसका मतलब इसे कॉमन लिया सकता है, कॉमन ले लेंगे, वन माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा इधर जेड दूसरी ब्रैकेट में और माइनस का सेवन, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। ओके यार, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।